दीवाने तेरे नाम के। तो फ्रेंड्स, अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर कुछ इस टाइप के वीडियो इस साउंड को ऊपर काफी तेजी से वायरल चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको रील्स वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप रिडायरेक्ट होकर इंस्टाग्राम के इस वीडियो के ऊपर फ्रेंड्स आप इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स मेरा लिंक वर्क नहीं करता है तो गाइस आप इंस्टाग्राम पर आके गाइस आप इस साउंड को भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता होगा यूज ऑडियो का, तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से कैमरा ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका इस तरीके का आपका ऑप्शन शो नहीं करता है तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपका इस तरीके से आपका ऑप्शन शो करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस क्लिक करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सर्च करना ओल्ड फिल्म, आपको सर्च कर लेना है। एंड सर्च करने के बाद आपको इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस ऑप्शन से आप इसे सेव कर लीजिएगा। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको सेव कर लेना अपने इफेक्ट को। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है गैलरी का, आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी इमेज से अपने वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, सो गाइस मैं अपने इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपका लोडिंग लेके इस तरीके से आपका इमेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको अपने यहाँ से इफेक्ट को ऐड कर लेना है। अगर आपने सेव किया होगा तो गाइस आपका इस तरीके का आपका इफेक्ट आ जाएगा आपके सेव वाले ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अपने इफेक्ट को गाइस आपको ऐड कर लेना है, और गाइस आपका वीडियो इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके का वीडियो को किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।